तुम्हारा योग्यता मध्यम कोटि की, और उत्तम कोटि की कौन है? उत्तम कोटि की स्त्रियों को कहते हैं वनिता। वनिता प्रेम सरिता, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, जिनके विचार भी अच्छे हैं, जिनके संस्कार भी अच्छे हैं, जो स्वभाव भी अच्छे हैं, हर प्रकार से जो भक्ति और साधना में अच्छे। इनको इसलिए मजीठा के राग के समान, मजीठ फल पायो जाए, मजीठा को रंग अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा फटते फट जाए, रंग नहीं छूट, प्रगाढ़ स्नेह वाली। बनिता बंधु समेत प्रभु, बनिता माने जानकी, बंधु लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी। वनिता प्रेम सरिता, जानकी जैसी परम पवित्र, तो ये उतना अपने राक्षसी रूप को छोड़ के और किस तरह की स्त्री बन के आई है? बोले योग्यता बन के आई है, कपट रूप धारण करके आई है। योषित्वा माययात्मानं प्रायसतां, ये कपट रूप अपने वास्तविक रूप राक्षसी रूप को छुपा के और स्त्री बन के नकली रूप धारण करके आई। संसार के सामने छुपाव करो कर लो, भगवान के सामने क्या छुपा पाओगे? उनके सामने तो जैसे हो वैसे पहुंच जाओ तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। भगवान कहेंगे देखो हमको धोखा दे रहा है। प्रभु के सामने दो रूप नहीं बनाने चाहिए, बनाने तो दुनिया के सामने भी नहीं चाहिए, पर व्यवहारिक जगत में अगर कभी आवश्यक हो, किसी को अच्छा लगे तो भले ही बना ले, लेकिन प्रभु के सामने तो ये नहीं चले, दुनिया के सामने चले। और ये पूतना कैसे आई है? बोले साखे चले कदों पे पूतना आनंद को, खेचरी मार्ग से, वायु मार्ग से, आसमान से उड़ के आई है। या को मतलब क्या है? बोले या को भाव ये है कि जैसे आसमान में पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसे ही स्वच्छंद विचारधारा वाली है, मान मर्यादा लज्जा शंका राधे राधे है ही नहीं इसमें। आज सुखदेव जी महाराज ने यहां पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्यों? राक्षसी थी, क्यों किया उसके सौंदर्य का वर्णन? बोले राक्षसी तो थी, लेकिन अब इसके मन में विचार आया है प्रभु को दुग्धपान कराऊंगा, भगवान की मां बन के आई है, मां दुग्धपान कराती है। और जहां यशोदा मैया जाएंगी वहां पहले पूतना जाएगी, इसलिए सौंदर्य का वर्णन किया है। ताम केश वंद व्यति सत्स कमल मकम ब्रह्मांड तंबारस्तन चमरमा सुवास सम्मकम पितकर्ण भूषण तेसो लक्ष कुंतल मंदितानम। पुत्र ने सुंदर स्त्री को स्वरूप धारण करके और सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया। यमुना में स्नान करके पवित्र हुई, राक्षसी थी, भगवान को दुग्ध पान कराने जाना है तो पहले यमुना में नहा के शुद्ध तो हो जाए, पवित्र तो हो जाए। सुंदर वेश धारण किया, यमुना में स्नान किया है, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, आभूषण धारण किए हैं, सुंदर श्रृंगार किया है, और अपने बाएं हाथ में कमल का फूल लेकर उसको घुमाती हुई गोकुल की गलियों में छमछम छमछम करके घूमने लगी। रूप मोहिनी धरि ब्रज आई, बाएं हाथ में ब्रज की गलियों में घूम रही है। उतना ने विचार किया, मैं ब्रजवासियों के घरों में जाकर उन सबके बेटाओं को मार के और फिर नंद के घर में जाऊं, फिर नंद के बेटा को मारूं। उतना के मन के भाव भगवान समझ गए। भगवान ने विचार किया, अरे राम राम, ये उतना मेरे संग पैदा हुए बालकों को मार देगी, कोई मेरे से 2 दिन पहले जन्म लेके आए, कोई मेरे से 10 दिन बाद जन्म लेके आए, मेरे संग पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को अगर ये पूतना मौसी मार देगी, कल जब मैं बड़ों होऊंगा तो वाली लीला के समय मुझे या तो अपनी उम्र से बहुत बड़े ग्वालों के संग खेलना पड़ेगा या छोटों,
मेरे संग पैदा हुए तो मारने को आ गए। भगवान ने विचार किया ये पूतना माँ पूतना मौसी कोई और ब्रजवासी के घर में ना जाकर सीधे मेरे यहाँ आ जाए, सब ग्वाल वाल सुरक्षित रहेंगे और मेरे यहाँ आएगी तो मैं यहाँ अपने घर पहुंचा दूंगा। बस जैसे ही भगवान के मन में ये विचार आयो, पूतना के विचार भी बदल गए। पूतना सोचने लगी अरे सब ब्रजवासियों के घरों में जाकर समय नष्ट करती रही और इतने में कहीं मथुरा से नंद बाबा आ गए तो असली काम तो रह जाएगा, चलो पहले नंद के घर में चलूं फिर और घरों में जाऊं। नंद महल की तरफ चल दी। एक और कारण हो क्या? बोले मनोहरंती बनिताम ब्रजहुकसा, सीधी सादी भोली वाली वाली गोपियों के मन को हरण कर रहे, सब गोपियों के मन को बिगाड़ रहे। ब्रज गोपी भोली वाली सीधी सादी लाज लज्जा मान मर्यादा में रहने वाली, ऊपर चादर ओढ़कर रखती थी कोई मोह न देख ले, लहंगा इतना नीचा पहनती थी कि पैर की उंगली अंगूठा भी दिखाई नहीं दे, नाखून भी दिखाई नहीं दे, इतना जमीन में भले ही घिसकता रहे पर शरीर न दिख जाए, ऐसी लज्जा मर्यादा में रहने वाली ब्रज गोपी। और आज ये पूतना जो आई है ब्रज में, बहुत कम वस्त्र धारण कर रखे हैं शरीर पे, लहंगा तो पहन रखा है पर वो घुटने तक ऊंचा है आजकल के भाषा में जाकर, ऐसे वस्त्र आभूषण पहन के आई। ब्रज गोपी सोचने लगी अरे ये कोई नई गोपी ब्रज में आई है, बड़ी सुंदर है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हम लोग भी ऐसे वस्त्र पहनना शुरू कर दें। और एक कन्हैया ने सोची फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे वस्त्र पहन के ये पूतना आई है ऐसे अगर ब्रजवासी पहनने लगेंगे, ब्रज की गोपियां पहनने लगेंगी तो ब्रज की संस्कृति में और बंबई की संस्कृति में अंतर क्या रहेगा? किसी भी समाज की किसी भी देश की पहचान उसके कपड़े पहनने के ढंग से होती है, उसके भोजन करने के ढंग से होती है, उसकी बोली से होती है। बोले महाराज ये तो छोला भटूरा खा रहे हैं पंजाब के होंगे, दाल चावल खा रहे हैं बंगाल के होंगे, इडली डोसा खा रहे हैं दक्षिण भारत के होंगे, और ये तो रबड़ी रबड़ी चिल्ला रहे हैं, अरे ब्रजवासी होंगे भाई, ये खम्मड़ ढोकला महाराष्ट्र गुजरात के होंगे। भोजन से मालूम पड़ जाता है, कपड़े पहनने के ढंग से मालूम पड़ जाता है, बोली से मालूम पड़ जाता है, संस्कृति के द्योतक हैं ये, संस्कृति के परिचायक हैं। ब्रज की संस्कृति है अच्छे सुसंस्कृत वस्त्र पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जिनको देखने से लगे हाँ आदमी है भैया आदमी है। सुबह की कथा तो प्रसारण नहीं हो रही है, शाम को होती है, पर हाँ ये बाद में जाएगी चैनल पे तो कोई बुरा नहीं मानना। आजकल वो बच्चे पैंट पहनते हैं, पता ही नहीं चलता ये पैंट है कि नीचे को जा रहे हो, बेल्ट भी बनो रहा है फिर भी वो खिसकते रहते हैं, कहना पड़ता है भैया एक रस्सी से बांध ले अगर बेल्ट ठीक नहीं है, ये कौन सी संस्कृति है, वो पैंट भाग रहे हो नीचे को। कोई बुरा नहीं मानना भैया, किसी को बुरा लगे तो वस्त्र शब्द वापस ले रहे, पर वस्त्र विन्यास की अरे कमर कसी नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? बेल्ट इसलिए है जिससे कमर बनी रहे, पुराने जमाने में धोती की फेंट बांधते थे, अगर कमर कसी होगी तो रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी नहीं होगी। किसी भी काम को करने के लिए आपका शरीर हमेशा सामर्थ्यवान रहेगा, वो केवल फैशन के लिए तो राधे राधे। इसलिए वस्त्र हमेशा ऐसे पहनो जो अच्छे लगे और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो। वस्त्र महाराज आज ब्रजगोपिया के मन को बिगाड़ रही थी, कन्हैया ने सोची राम राम कहीं ब्रजगोपी भी ऐसे वस्त्र ना पहन ले, इसलिए मनोहरंती वनिताम